इवनिंग दोस्तों, स्वागत है कुंगता के ब्लॉग्स पर। आज मैं पॉक बॉयल कर रही हूँ। अभी ये पॉक मीट लाई थी मैंने, अभी बॉयल कर रही हूँ, बाद में बनाऊँगी। तो दोस्तों, मैं अभी ये पॉक मीट जो बनाऊँगी, इधर मैंने दो प्याज काट लिया है, इधर मैं अदरक मिर्चा लहसुन का पीस रख लिया है मैंने। और यहाँ दोस्तों अभी तेल गर्म हो चुकी है, मैं डाल दूँगी तेज़पत्ता। तेज़पत्ता डाल दिया है मैंने, अभी डालूँगी प्याज। तो मेरा प्याज फ्राई हो गया है, अच्छे से पक गया है। तो मैं अभी डालूंगी मीट। थोड़ा मीट को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। आज मैं नागा स्टाइल पॉक बनाऊंगी बॉम्बे शूट के साथ में। तो दोस्तों, मैं अभी हल्दी डाल लेती हूँ थोड़ा सा, और गरम मसाला, रेड चिली, पॉक तो ऑलरेडी 20 मिनट्स मैंने बॉइलिंग की थी, और थोड़ा सा से बनाऊंगे। अभी डाल दूंगी मैं अदरक और लहसुन का पीस और पिसा हुआ मिर्चा। पॉक तो पूरा थोड़ा जला जला जैसे हो गया है फ्राई होके। तो अभी डाल देते हैं पानी थोड़ा सा। तो दोस्तों, मीट तो अच्छा से उबल गया है। ये रहा बेम्बू शूट फॉर्मेंटेड, तो मैं अभी बेम्बू शूट डाल लूँगी, अच्छा से पकने देंगे अभी और उसको। थोड़ा ज़्यादा मिर्चा डाल दिया है, तो थोड़ा स्पाइसी बनाकर खाऊंगे। दोस्तों अभी मैं डाल दूंगी थोड़ा सा मीट मसाला, और ये है धनिया का पाउडर। ना अच्छा खुशबू आ रहा है दोस्तों। आप लोग भी ऐसे बम्बू शूट के साथ में नागा स्टाइल बनाकर खाइए पोक, बहुत टेस्टी होता है खाने के लिए। ये देखिए दोस्तों, मेरा पॉक करी पूरा बॉयल जो उबल उबल के पूरा ड्राई हो गया है। अभी इसको पूरा ड्राई करूँगी। और थोड़ा सा पीसा हुआ अदरक और लहसुन का पीस डाल दिया है मैंने। अभी थोड़ा देर रखूँगी, उसके बाद में कर दूँगी। दोस्तों मेरा सब्जी रेडी है, पक गया है। अभी इसको उतार दूँगी। हो गया मेरा पॉक कड़ी, नागा स्टाइल पॉक कड़ी बनाया आज मैंने। अभी मैं बॉयल बनाऊँगी, बनाना फ्लावर का बॉयल। ये है बनाना फ्लावर, वाइल्ड बनाना फ्लावर है ये। और ये है दो आलू काट लिया है मैंने, इसको आलू का साथ में बॉयल बनाऊँगी अभी। दोस्तों बॉयल बनाने से ना पहले मैं पानी उबल लेना चाहिए, नमक डाल के। मैं अभी नमक डाल रही हूँ, पानी को थोड़ा उबलने दूंगी, उसके बाद में आलू डालूंगी। पहले पानी को थोड़ा उबलने देना है, उसके बाद में बॉयल बनाना है, तब खाने के लिए टेस्टी होता है। देखिए दोस्तों, पूरा पानी उबल चुका है, मैं अभी डाल दूंगी आलू। आलू को डालने के बाद में थोड़ा देर तक उबलने देंगे, जब आधा पक जाएगा आलू तब मैं बनाना फ्लावर तो डालूंगी। बनाना फ्लावर पकने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए दोस्तों, आलू पूरा उबल रहा है। अभी आलू को पकने देंगे, उसके बाद में बनाना फ्लावर डालूंगी। अभी
आलू अच्छे से नहीं पका है, लेकिन आलू पूरा उबल गया है। तो मेरा आलू पक गया है, मैं अभी बनाना फ्लावर को डालूंगी। मैंने ऐसे छोटा छोटा से इसको सफ़ा कर लिया है, अभी डाल दूंगी। इसमें हल्दी मसाला कुछ नहीं चाहिए दोस्तों, सिर्फ अदरक लहसुन का पीस और मिर्चा नमक डालने से हो गया। ऐसे खाने के लिए बहुत टेस्टी होता है। और अगर मछली फ्राई करके डालने मन है तो डाल सकते हैं, मछली फ्राई या इसे मछली ड्राई करके रखने वाला लोकल मछली, तब ज़्यादा खाने के लिए टेस्टी होता है। मैं इसमें एक ड्राई फिश डालूँगी अभी, लोकल वाला रोस्टिंग करके ड्राई करने वाला मैं एक डालूँगी इसमें। अभी डाल देती हूँ लहसुन अदरक पीस, उसके बाद में मिर्चा पीस के रखने वाला। और ये है ड्राई फिश, लोकल फिश रोस्टिंग करके रखने वाला, इसको डाल दूंगी मैं अभी। इसको थोड़ा छोटा छोटा करके डाल दूंगी। दोस्तों अगर इसमें टोमेटो डालने मन होने से टोमेटो भी डाल सकते हैं, पर मैं अभी टोमेटो नहीं डालूंगी, सिर्फ ड्राई फिश को ही डाल दिया है मैंने। इसको अच्छे से पकने देंगे अभी इसको। तो दोस्तों मेरा बॉयल सब्जी पक चुका है, ये देखिए मेरा बॉयल सब्जी रेडी है। घर से लाने वाला ड्राई फिश का साथ में बनाकर खा रही वास। दोस्तों मैंने खाना रेडी कर लिया है, ये देखिए इधर मैं खाना, उसके बाद मैं इधर में पोक नगा स्टाइल करी, पोक करी बम्बू शूट का साथ में बनाने वाला। इधर मैं बनाना फ्लावर और आलू का साथ बॉयल बनाया मैंने ड्राई फिश डाल के, लोकल ड्राई फिश। इसके बाद इधर में मिर्चा है, नींबू है। तो दोस्तों अभी मैं खाना खा लेती हूँ। प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना प्लीज़। तो वीडियो इसमें समाप्त करती हूँ। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।